ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टरली 3 जो छप्पर फाड़ के रिजल्ट आया वो देखेंगे और आगे देखेंगे क्या इसमें आपको करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो कौन से इसके टारगेट रहेंगे और अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो कौन से उसके टारगेट रहेंगे। इन सिंपल हम क्या है कि चार्ट को एनालाइज करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जब बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर और इसमें ईयरली रिजल्ट भी है तो हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो क्या क्या देखना है, कैसे देखना है वो सब देख लेते। तो पहले हम टोटल इनकम देखेंगे, जो इसने इंटरेस्ट कमाया है या इसकी अदर जो इनकम होती है वो। तो आप देख रहे हो इधर टोटल इनकम, तो आप टोटल इनकम देख रहे हो तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एक आपको अच्छी सी अपसेट देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में हम क्या है कि ईयर टू ईयर को भी कंपेयर कर रहे हैं। ये ईयर टू ईयर वाला है, ये जो मतलब थर्ड वाला है वो ईयर टू ईयर वाला है, सेकंड वाला है वो क्वार्टरली क्वार्टर है। अगर ईयर टू ईयर से भी हम कंपेयर करें तो उसमें भी आपको एक अच्छी सी अपसाइड दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब टोटल इनकम में आपको इसमें अपसाइड दिखाई दे रही है। बाद में हम इसका नेट प्रॉफिट वगैरह देख लेते हैं। अगर हम इसमें नेट प्रॉफिट देखते हैं तो थोड़ा नीचे जाते आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो आप देख रहे तो पिछले क्वार्टर का जो ये था 654 करोड़ का प्रॉफिट था और वो इस क्वार्टर में 4146 करोड़ का हो चुका है। मतलब एक बड़ी सी आपको अपसाइड इसमें दिखाई दे रही है। और अगर मैं ईयरली ईयर क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करूं तो उसमें भी आपको एक बड़ी सी अपसाइड दिखाई दे रही है। इन सिंपल हमें नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी अपसाइड दिखाई दे रही है। बाद में हम इसके एनपीएस के बारे में भी बात कर लेते, तो बाद में हम एनपीएस थोड़ा नीचे मेरे को मिलेगा। तो जो ये है ये परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीएस पहले हम देख लेते। तो इसको मैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपेयर करूं तो इसमें आपको एक डाउन साइड दिखाई दे रही, जो कि किसी भी बैंक के लिए नेट एनपीएस एंड ग्रोस एनपीएस अगर डाउन होते तो जो अच्छी बात है, तो ये इसके लिए अच्छी बात है। बाद में हम ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करें तो उसमें भी आपको डाउन साइड देखने को मिले, जो कि इसके लिए अच्छी बात है। बाद में नेट एनपीएस की बात करें तो नेट एनपीएस में भी आपको क्या है कि एक डाउन साइड दिखाई दे रही है पिछले क्वार्टर से, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। बाद में हम इसको ईयरली ईयर क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर करें तो इसमें भी आपको डाउन साइड दिखाई दे रही है। इन सिंपल अगर मैं रिजल्ट की बात करूं आईसीआईसीआई बैंक का तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए आपको इसमें चार्ट में भी अपमूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते चार्ट पे कौन से इसके सपोर्ट होंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस होंगे। तो अब हम आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर, तो इसमें देखते तो आप इसमें देखोगे तो आपको एक अपसाइड ही दिखाई दे रही है। जब ये क्या है कि अभी ये कंसोलिडेट जोन में चल रहा है, तो अगर रिजल्ट अच्छा आया हो तो ये आपको अपसाइड देगा। लेकिन अगर मैं इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बात करूं तो पहले मैं इसमें सपोर्ट देख लेते। तो जो इसका पहला सपोर्ट होगा ये इसका लास्ट लो ही होगा, जो इसका लास्ट होगा वो हमारे लिए पहला सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा 515 का लेवल। अगर ये आपको 515 का लेवल पे कोई अपसाइड देखने का मौका मिलता है आने वाले फ्यूचर में, तब आप इसे अपना सपोर्ट मान सकते हो। लेकिन रिजल्ट अच्छा है तो आई होप ये अप जाएगा। और ऐसा भी नहीं होता कि रिजल्ट अच्छा आए तो आपको अप जाता हुआ ही दिखे, आपको ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा आया फिर भी आपको डाउनसाइड मिल सकती है, तो होता है। लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो आई होप ये आपको अपसाइड जाता हुआ दिखे। तो इसका जो पहला सपोर्ट होगा वो मेरी ओर से होगा 515। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता इन फ्यूचर, तो जो इसका दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 460 का लेवल। तो ये दोनों सपोर्ट आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, आपको इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय साइड की तब आप वहां बाय कर सकते हो। लेकिन रिजल्ट अच्छा आया हो तो मेरा मेनली फोकस होगा ऊपर की साइड, मतलब रेजिस्टेंस, कि अगर आप इधर से बाय करते हो, अगर आपकी बाइंग पोजीशन है तो आप कहां अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो इन फ्यूचर। तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 550 का लेवल, जो इसका लास्ट आई था वही। लेकिन मेरे को लगता है कि ये इसको ब्रेक करके अबव निकलेगा, तो इसको मैं इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दे रहा हूं। इसके बाद का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये अपर की ओर देखते, तो इसके बाद का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 615 का लेवल। अगर ये इसको भी ब्रेक करके अबव निकलता है तो बाद में जो हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस होगा वो होगा 695 या 685 ही गिनिए, तो इसके बाद का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये 650 के आजू बाजू होगा। तो ये थे हमारे रेजिस्टेंस आईसीआईसीआई बैंक में। देखिए अगर आपको इन फ्यूचर ये दोनों लेवल पे कोई ऐसी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलती है तब आप वहां अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या तो शॉर्ट सेल में आ सकते हो। लेकिन देखिए अगर वहां रिट्रेस हो रहा है तो कुछ मत कीजिए, क्योंकि रिट्रेस होता है कोई भी स्टॉक को, कितना भी अच्छा रिजल्ट है और कितना भी भाग जाए
वो थोड़े टाइम बाद वो आपको रिट्रेसमेंट देता ही है। तो अगर ये लेवल पे अगर आपको रिट्रेस लग रहा है तो मत सेलिंग कीजिए, अगर प्रॉपर रिवर्सल मिल रहा है तभी आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये थे हमारे ICICI बैंक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट देख लेते, सपोर्ट होंगे 515 का लेवल, और अगर इसके नीचे जाते हैं आप तो आपको मिलेगा 460 का लेवल। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस होगा, मैं इसका लास्ट हाई है उसको नहीं बोल रहा हूं, अगर ये इसको ब्रेक करके अबव चला गया तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 615 का होगा, अगर ये इसको भी ब्रेक करके अबव निकला तो हमारा 650 का लेवल होगा, वो दूसरा रेजिस्टेंस होगा। और ये लेवल मैंने कहां से निकाले, तो सिंपल सी बात है, ये लेवल मैंने फिबोनाची रेशियो से निकाले। आप भी फिबोनाची रेशियो देखो, अगर आपको सही लगता है, अगर आपको आइडिया है उसके बारे में तब की बात है। तो ये लेवल जो है वो फिबोनाची रेशियो के ऊपर है, अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है तब हम दूसरे के आए के फिबोनाची रेशियो यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका ICICI बैंक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इसमें क्या है कि RSI एंड MACD देखना चाहते हो तो एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या RSI एंड MACD की सिचुएशन है। मैंने RSI एंड MACD चार्ट पे लगा दिया, जो पहले RSI देख ले, तो RSI का हाल फिलहाल का जो लेवल है वो 51.88 है। अगर मैं इसमें देखूं तो ना तो मेरे को ज्यादा बियरिश लग रहा है ना तो ज्यादा बुलिश लग रहा है RSI की ओर से। अगर मैं MACD देखूं तो हाल फिलहाल ये नेगेटिव दिख रहा है, इन फ्यूचर अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तब भी आप इसमें बाइंग कर सकते हो, जो ओनली MACD एंड RSI यूज कर रहे हो उसकी बात है। तो देखिए अगर आपको इसमें क्या है कि पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल जाता है MACD में तो अब आप अपनी वहां बाइंग बना सकते हो। तो ये थे MACD एंड RSI। MACD हाल फिलहाल नेगेटिव है लेकिन इन फ्यूचर आई थिंक ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और RSI की बात करें तो 51.88 इसका अभी हाल फिलहाल का लेवल है। और एक बार कि आप इसमें देखेंगे तो हाल फिलहाल एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो अगर यह आप क्या है कि प्रॉपर तरीके से गैप अप नॉर्मल होता है, आई थिंक ऐसा नहीं होगा, एक प्रॉपर गैप अप ओपनिंग होगी, बाद में अप जाएगा डाउन जाएगा वो बात की बात है, लेकिन गैप अप ओपनिंग वो फाइनल होगा। तो आप इसमें देखिए तो एक था कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद मैं पर्सनली एंट्री लेने वाला था, लेकिन देखते अभी गैप अप ओपनिंग हो गया और ज्यादा ऊपर चला गया तो मैं इसमें एंटर नहीं होऊंगा। तो देखते हैं मंडे क्या होता है। तो इसमें एक ट्रायंगल भी बना हुआ था, मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट में था कि एक प्रॉपर ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद मैं इसमें बाइंग करता, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। नो डाउट आपको एक प्रॉपर ट्रायंगल ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन क्या है आई थिंक ये वो बहुत ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें अपनी बाइंग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे को इन फ्यूचर थोड़ा सा रिट्रेस या पुल बैक देखने को मिलता है तब मैं अपनी पोजीशन बना सकता हूँ। तो ये था मेरी ओर से ICICI बैंक का एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।